बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जो कि स्टील से है। स्टील पर लगने वाले निर्यात शुल्क को फिलहाल वित्त मंत्रालय वापस लेने के पक्ष में नहीं है। स्टील निर्यात करने वाली कंपनियों ने हाल ही में मंत्रालय से निर्यात शुल्क हटाने की गुजारिश की है। रूस यूक्रेन के बाद स्टील के दाम में भारी तेजी आ गई थी, जिससे देखते हुए सरकार ने स्टील के निर्यात पर 15% का शुल्क लगा दिया था ताकि घरेलू स्तर के छोटे उद्यमियों को राहत मिल सके। अप्रैल में स्टील की कीमत 78,000 रुपये प्रति टन के स्तर को पार कर गई थी। निर्यात शुल्क लगने के बाद स्टील के दामों में तेजी से गिरावट आई है और अभी इसकी कीमत 62,000 से 64,000 रुपये प्रति टन के स्तर पर है। वहीं इंडियन स्टील एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्टील निर्यात पर लगने वाले शुल्क को हटाने के साथ 20 लाख टन स्टील बिना शुल्क निर्यात करने की इजाजत देने की मांग की है। वहीं एसोसिएशन के मुताबिक निर्यात शुल्क लगाए जाने से पहले 20 लाख टन स्टील निर्यात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जा चुका था। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि भारत की तरफ से निर्यात शुल्क लगाने का फायदा चीन को मिल सकता है। सरकार ने स्टील के निर्यात के साथ इसके कच्चे माल और लोहे अस्त्यत के निर्यात पर भी 50% तक का शुल्क लगा दिया है। 2021-22 में स्टील निर्यात में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार के फैसले से स्टील निर्यात जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन घरेलू स्तर पर अपने उत्पादन में स्टील को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाले छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सेकेंडरी स्टील बनाने वाले उद्यमियों ने बताया है कि स्टील के दाम कम होने से ग्रामीण इलाकों में मांग निकलने लगी है। वहीं ऑटो और घरों में भी इस्तेमाल होने वाले कई आइटम की लागत भी कम हो गई है।